देखो यहाँ से रिएक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। यार मुझे कैमरे के लिए हेलमेट चाहिए था, लेकिन मैंने दिल्ली में पता करा कर्पिया साइड होने का कष्ट करे। रिएक्शंस भाई ये बहुत ज्यादा रिस्की है यार, सारे के सारे बच्चे उधर से भाग के यहाँ पे आ गए। सो गाइस मैं अपने घर पे आया हुआ था, ये है अपना घर। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जाने वाला हूँ एंड रिएक्शन वीडियो शूट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई से पूछते हैं कि हेलमेट कैसा लगा भाई, कैसा लगा? मस्त है ना, मेरा ड्रीम था देने का, पर भाई मजाक कर रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो रिएक्शन जो भी होंगे आपको दिखाएंगे, शायद आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा होगा, आवाज गूंज रही है ना इधर। तो भाई को भी मैंने एक हेलमेट दे दिया और खुद भी एक हेलमेट ले लिया। तो भाई ये वाला, ये अपना ड्यूक, ये मैंने ड्यूक के साथ लिया था और ये वाला कंचना के साथ लिया है। तो भाई तुझे क्या लगता है बिलाल, रिएक्शन आएंगे अच्छे अच्छे? पब्लिक पागल हो जाएगी। नहीं यार झूठ मत बोल पहले। वालेकुम सलाम, बाइक कैसी लगी हमारी? बाइक बढ़िया लगी। हेलमेट कैसा लगा? बढ़िया लगा। ठीक है आपका रिएक्शन सही है। मास्टर का पेमेंट है? मास्टर का पेमेंट आज दे, मैं इस वाली वीडियो से कम आ गए। मेरी आंखें तो नहीं दिख रही ना। ठीक है तो भाई यहाँ पे ना बाइक बहुत ज्यादा शोर मचाती है जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, बिकॉज दोनों साइड घर है तो आवाज गूंजती भी बहुत ज्यादा है। तो अभी हम इधर से एंट्री करेंगे मार्केट की साइड, देखो यहाँ से रिएक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो देख रहे हो हाय हाय। तो भाई यहाँ से रिएक्शंस मिलने शुरू हो गए, अभी तो मार्केट में एंट्री भी नहीं की हमने। आई होप मेरा जो कैमरे का एंगल है यार वो सही हो, अगर वो सही ना हुआ ना तो ये समझो सारा का सारा मूड खराब हो जाएगा। ओह तेरी इंसेन भाई, सब देख रहे हैं मतलब सब। तो भाई चल, तो हम यहाँ से लेते हैं इधर की साइड। अगर आप यहाँ से हो ना मेरे एरिया से तो शायद आपको ये गलियों के बारे में पता होगा। और हाँ मैंने ना इसको भी अर्बन मोड पे लगा रखी है। अर्बन मोड पे क्या होता है कि ज्यादा इसमें पावर नहीं रहती। कितने तगड़ी रिएक्शंस आ रहे हैं अभी से, अभी तो मार्केट में एंट्री भी नहीं करी हमने। बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब गलियों में को चलाते हैं। तो मैंने बाइक को लगा ली स्पोर्ट्स मोड पे एंड अगर हम धीरे धीरे स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो बंद होने के थोड़े थोड़े चांसेस रहते हैं। हमारे यहाँ ना एक ही मार्केट है और पूरी की पूरी मार्केट में कवर करने वाला हूँ। और मेरी जो भाई अम्मी है वो भी मार्केट में ही है, अगर वो मुझे वहां पे मिल गई भाई चप्पल भी बच सकता है मेरे। लेट्स सी क्या होता है। सबकी नजरें घूम जाती है जैसे ही हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं इसकी। अब देखते हैं भाई किसका कैसा रिएक्शन आता है। थोड़ा थोड़ा सा रात का टाइम होने लग रहा है, देख रहे हो भाई पीछे तो दिखवा देता हूं मैं लोगों से। अबे भाई आज तो मार्केट पूरी की पूरी खाली पड़ी है, हम कहां पे रिएक्शंस लेंगे, मार्केट में ज्यादा भीड़ नहीं है आज। कर्पिया साइड होने का कष्ट करें आज तो भाई सीन खराब हो गया, हमें कहीं और जाके रिएक्शंस लेने पड़ेंगे। पता है क्या हुआ, यहाँ पे ना आज ज्यादा भीड़ नहीं है भाई, जब ज्यादा भाई हेलमेट कितने का लिया? यार मुझे कैमरे के लिए हेलमेट चाहिए था, लेकिन मैंने दिल्ली में पता कराया 2500 रुपये का बताया, लेकिन फिर भी उसमें ये कैमरे का सिस्टम नहीं। चलो मैं बता दूंगा, ये तो कहना पड़ता है अलग से कराना पड़ता है। हाँ कभी आओगे बता देना। तो भाई यहाँ पे हमें रोक लिया था, हेलमेट सबको अच्छा लग रहा है हमारा भाई, पीछे के रिएक्शंस में कैच नहीं कर पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई पीछे कैमरा लग रहा है। आज पता क्या हुआ, यहाँ पे ना ज्यादा भीड़ नहीं है, हम इसलिए ज्यादा रिएक्शंस नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे हमारा एक दोस्त रहता है, उससे मिलते हैं। देखो भाई सारे के सारे बंदे देख रहे हैं।
तो एक काम करते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड ले लेते हैं, एक यहाँ पे इसको हमने लगा रखा है काम पे, थोड़ा सा इधर का रिएक्शन ले लेते हैं अगर किसी का अच्छा खासा आया तो। हमारे प्लान में थोड़े से चेंजेस आ गए, वहां पे हमें मार्केट में ज्यादा भीड़ नहीं मिली, ज्यादा भीड़ मिलती तो और अच्छे रिएक्शन आते, बाकी आप लोगों ने देख लिए। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा सा आगे चलता हूँ इस हाईवे से, थोड़ा गांव वालों का रिएक्शन भी लेते हैं। रिएक्शंस ये देखो भाई कितना ज्यादा रिस्की काम है, मतलब लोग देखो भाई किस तरीके से बस में भरे पड़े हैं भाई, ये बहुत ज्यादा रिस्की है यार भाई, ये ओवर है ओवर, ये बिल्कुल गलत तरीका है यार भैया, क्या हो रहा है ये भाई, देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ भाई, ऐसे तो दम घुट जाए यार बंदों का तो भाई। भैया मिरर ओपन कर लो, मिरर उधर वाला, शीशा खोल लो शीशा, तो देखते हैं भाई यहाँ पे कैसे रिएक्शन आते हैं लोगों के। भाई बच्चे डर गए थे यार सच में। ओ भाई वो उसने अपनी साइकिल उठा ली, वो पहिया उठा लिया, उतरी वो भाई। सारे के सारे बच्चे डर गए, ओह माय गॉड। देखो भाई कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नई बाइक है, मतलब जो लोग इसके बारे में जानते नहीं भाई वो तो खतरनाक रिएक्शंस देंगे। ओ भाई खतरनाक, किधर लेना है, उतरी उतरी, तो भाई खतरनाक रिएक्शन था यार। ओ भाई क्या हुआ भाई, दुकान छोड़ दी उस बंदे ने, सारे के सारे बच्चे उधर से भाग के यहाँ पे आ गए, सारे के सारे बच्चे भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, देख रहे हो। भाई बच्चों का मेला देखो। भाई सारे के सारे बच्चे पीछे लग गए हमारे। पीछे पब्लिक देखो भाई, पीछे की वीडियो ले लेना। अच्छा यहीं पे खत्म होता है गांव, मंदिर से खत्म हो जाता है, ठीक है भाई हमें यहीं तक आना था। उधर से बाहर भी निकल जाते हैं, हाँ उधर से बाहर बाहर निकल जाते हैं, कहाँ जाना आपको, हाईवे पे खाने यहाँ से ऐसे निकल इधर। भाई मैं तो पूरा पैक हो रखा हूँ हेलमेट के अंदर, देख रहे हो भाई, पर भाई रिएक्शन बच्चों का बड़ों का सबका, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ और के साथ भाई लंबी लंबी फेंक रहा है। तो भाई अब हम यहाँ से चलते हैं अपने घर। हाँ तो गाइस अपनी बाइक कोई सुपर बाइक से कम थोड़ी है, रिएक्शंस आप लोगों ने भाई देख ही लिए होंगे, और अगर आपको और भी रिएक्शंस वीडियो चाहिए तो भाई मैं और बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे चलता हूँ भाई अगले व्लॉग में किसी और मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड टाटा बाय बाय बाय।